हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आस्था गुप्ता, कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, मिलान IVF, दिल्ली। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। आज हम ये जानेंगे कि IVF होता क्या है और इसमें क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है। IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में हम फीमेल पार्टनर के एग्स और हस्बैंड के स्पर्म्स को बाहर फर्टिलाइज करते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद उसको फीमेल के यूट्रस में रख दिया जाता है। ये प्रोसेस कैसे किया जाता है ये जान लेते हैं। IVF के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आपके एग फॉर्मेशन का। आपको पीरियड्स के सेकेंड डे IVF सेंटर पर बुलाया जाता है। डॉक्टर आपका एक अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे, आपके कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होंगे और हस्बैंड का सीमन एनालिसिस होगा। इससे ये पता चलेगा कि आपके एग्स, ओवरीज, यूट्रस और हस्बैंड के स्पर्म सब कुछ ठीक है और हम IVF के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपके अल्ट्रासाउंड और एक ब्लड टेस्ट जिसे बोलते हैं एंटी मुलेरियन हार्मोन, डॉक्टरों को एक असेसमेंट हो जाएगा कि आपको किस इंजेक्शन की ज़रूरत है और किस डोज में। तो पीरियड्स के सेकेंड डे से आपके गोनाडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन शुरू किए जाएंगे। करीब 10 से 12 दिन ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं। पेशेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना कि इंजेक्शन आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे ही लगेंगे और आपको उसके लिए बहुत पंक्चुअल होना पड़ेगा। जिस टाइम पे डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन बोला है उसी टाइम पे आपको उस इंजेक्शन को लेना है। 10 से 12 दिन जो आपके इंजेक्शन लग जाते हैं उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करते हैं, जिसे कहा जाता है ओवम पिकअप या ओसाइट रिट्रीवल। जब आपके एग्स कम्प्लीटली रेडी हो गए हैं उसके बाद आपका डॉक्टर आपको एक ट्रिगर का इंजेक्शन देगा। ये इंजेक्शन भी टाइमिंग के लिए बहुत पर्टिकुलर है, जिस टाइम पे आपको डॉक्टर ने कहा है उसी टाइम पे एग्जैक्टली आपको उस इंजेक्शन को लेना है, और उस इंजेक्शन के 36 आवर्स के बाद आपके एग्स को बाहर निकाला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर संडे रात में आपने इंजेक्शन लिया है तो ट्यूजडे मॉर्निंग आपके एग्स को निकाला जाएगा। ओवम पिकअप का प्रोसीजर एक पेनलेस प्रोसीजर है, कोई सर्जरी नहीं, कोई चीरा नहीं लगाया जाता। एक अल्ट्रासाउंड की हेल्प से, एक छोटी सी निडल के हेल्प के थ्रू आपके सारे एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है। ये प्रोसेस अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है और अल्ट्रासाउंड की हेल्प से। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जिसका जो है सीमन प्रिपरेशन। आपके हस्बैंड के सीमन को लिया जाएगा और लैब में उसको प्रिपेयर किया जाएगा। देन नेक्स्ट स्टेप आता है फर्टिलाइजेशन का। एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके एग्स जो कि डॉक्टर ने निकाले हैं और जो सीमन आपके हस्बैंड ने दिया है उन दोनों को प्रोसेस करेगा और फर्टिलाइज करेगा ताकि आपके एम्ब्रियो बन सके। फर्टिलाइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है, IVF या फिर ICSI। डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं। IVF में हम आपके हस्बैंड के बहुत सारे स्पर्म्स को लेकर एग्स के साथ इंक्यूबेट कर देते हैं और वो दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं। बट ICSI के प्रोसीजर में एक एक स्पर्म को सिलेक्ट करके एक निडल की हेल्प से एग के अंदर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब आपको IVF की ज़रूरत है या ICSI की, वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपकी प्रीवियस हिस्ट्री, एज, हस्बैंड की एज और सीमन पैरामीटर्स को देख के डिसाइड करते हैं। आपके एम्ब्रियोज उस दिन से रेडी होने शुरू हो जाते हैं। 3 to 5 days लगते हैं एम्ब्रियोज को रेडी हो जाने में। थर्ड डे के एम्ब्रियो को कहा जाता है day 3 एम्ब्रियो और फिफ्थ डे के एम्ब्रियो को कहा जाता है ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो day 3 एम्ब्रियो से 2 दिन मोर एडवांस्ड होता है, इसलिए उससे थोड़े से प्रेगनेंसी होने के चांसेस बेटर होते हैं। और उसके बाद लास्ट प्रोसेस आता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जब आपका एम्ब्रियो रेडी हो जाता है तो उसको अल्ट्रासाउंड की हेल्प से यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है। आपका डॉक्टर पहले ये कंफर्म करेगा कि आपका यूट्रस हेल्दी है, आपकी लाइनिंग ठीक है, उसके अंदर ब्लड फ्लो अच्छा है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है यूट्रस के अंदर, और उस एम्ब्रियो को एक छोटे से पतले से कैथेटर से, जिसको बोलते हैं ET कैथेटर, आपके यूट्रस में रख दिया जाएगा। ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है, आपको दर्द नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड की हेल्प से किया जाता है बट इसमें एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता बिकॉज इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर। बट पेशेंट को थोड़ी देर के लिए अपनी यूरिन को होल्ड करके रखना पड़ता है। एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफर हो जाने के बाद 15 डेज के बाद प्रेगनेंसी का टेस्ट किया जाता है कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव आया है कि नहीं आया है। इस दौरान 15 डेज आपको कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस लेने होते हैं। तो ये हमारा पूरा IVF का प्रोसीजर है। अगर इन केस यू हैव एनी डाउट्स अबाउट दिस, यू कैन ऑलवेज कम एंड आस्क योर डॉक्टर। थैंक यू सो मच।